हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ टीजीटी का पेपर, जो कि राजनीति या सिविक्स कहिए, सिविक्स का पेपर है और ये पेपर हुआ था 2010 में। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और ये दो पार्ट में मैं अपलोड करने वाली हूँ। एक पार्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दी हूँ और दूसरा पार्ट आज ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो सबसे पहला जो भाग आता है इसमें चार प्रश्न आते हैं, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना जरूरी होता है, लेकिन हम इस भाग में चारों ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए व्याख्या के साथ इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कटिबंध पर वर्षा में कम एक बार दिन अथवा रात की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। तो ये अवधि जो होती है वो होती है शीत कटिबंध में। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। शीत कटिबंध दोनों गोलार्ध में 66.5 डिग्री तथा ध्रुवीय केंद्रों के बीच होती है, जहां पर सूर्य की किरणों के अत्यधिक तिरछेपन के कारण तापमान नीचा ही रहता है। दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है। ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन अथवा 6 महीने की रात्रि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का बी, सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, तो यहाँ पे दिया हुआ है सीधे सीधे दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमत गार, फिर राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्व बोधनी समाज। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैचिंग दिया हुआ है, इस तरह से आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रॉबिन्स का। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो होता है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। तो यहाँ भाग एक फ्रेंड्स खत्म होता है। और आपको मैं बता दूँ, ये जानकारी दे दूँ कि टीजीटी में हमें दो विषयों का चुनाव करना पड़ता है। तो मैंने इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं 2010 से लेकर 2003 तक के सभी करा दिए हैं और 18 का भी पेपर अपलोड किया है इतिहास का। और अब मैं सीक्वेंस वाइज आपको राजनीति यानी सिविक्स का जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है वो सारे आपको लाइन से संडे के संडे प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हम आ गए हैं राजनीति या सिविक्स का, ये नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? जैसा कि ऊपर ही अभी हमने सॉल्व किया था, तो चौथे भाग में है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में सम्मिलित किए गए हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित कुछ आदर्श होते हैं जो किसी भी सरकार के पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह वर्णित है 19वें अनुच्छेद में।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और यहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। देख लेते हैं अनुच्छेद 19 में। 1 नंबर में है क, वाक्य स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। 19(1) के ख में है शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का। फिर ग में है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का। और ड है भारत की किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता। फिर च है निरसित। और छ है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो कभी कभी कमेटी पर भी क्वेश्चन आता है, स्वर्ण सिंह की कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो किससे लिया गया है इस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो रूस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो संविधान सभा ने, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान बनाने में समय लगा। तो जो हमारा संविधान बनाने में समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में से लागू किया गया। तो ये भी डेट याद रखिए, कब बना और कब इसे लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, किंतु ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। व्याख्या दे रहा है, मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1909 में आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो इसका संबंध रहा है ब्रिटेन से, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से हुआ, जो श्रम संघवाद का एक रूप था। श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय SJ Penty SR Orange को है। इसके अतिरिक्त हॉब्स और GDH Cole के नाम का भी उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो इनमें जो संबंध पाया जाता है, परस्पर विरोधी पाया जाता है। समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, अर्थात व्यक्तिवाद व समाजवाद परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो इसका जो मुख्यतः संबंध माना जाता है वो श्रमिक वर्ग से माना जाता है। 19वीं सदी के यूरोप का इतिहास समाजवाद एवं श्रम आंदोलन का साक्षी है। समाजवाद मूलतः एक निराशा की गुहार थी, असहाय स्थितियों के खिलाफ उठा निषेध का स्वर था, आर्थिक क्षेत्र में न्याय की मांग थी। समाजवाद 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था और इसने मानव जाति को बेहद व्यवस्था देने के लिए कल्पनाशील के साथ सार्थक प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्ष में मिलता है? तो किस शीर्ष में मिलता है? तो ये मिलता है नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो मार्क्सवादी जो है वो अधिक बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जस्टिन शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से इसका संबंध माना जाता है। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिन सिया से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या बेधन अथवा बांधना। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि DSSB का मुझे एक ही पेपर मिला था, अतः उसको मैंने अपलोड कर दिया है पिछले संडे को। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और DSSB के पेपर्स कलेक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए DSSB की मैं सीरीज़ नहीं कंप्लीट करा पा रही हूँ। अगर आपके पास कोई ओरिजिनल पेपर है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो और भी अगर किसी पेपर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो ऐसी परिभाषा देने वाले थे ऑस्टिन। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टिन ने कानून की व्याख्या करते हुए लिखा कि कानून संप्रभुता संपन्न शक्ति का आदेश है, इसके साथ अनुशासनियां आवश्यक है, अर्थात कानून के साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि उनका पालन ना करने वाले को दंड दिया जाएगा या उसे किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जहां कानून नहीं होता है वह स्वतंत्रता भी नहीं होती है, यह शब्द निम्न में से किसके हैं? तो ये है शब्द लॉक के। विलोमी के अनुसार भी यहाँ पे दिया हुआ है, यदि नियंत्रण ना हो तो स्वतंत्रता ना होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस एक बार दोनों को हम देख लेते हैं। लॉक के अनुसार कहा गया है जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, और विलोमी के अनुसार क्या है, यदि नियंत्रण ना हो तो स्वतंत्रता ना होती है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, डिफरेंस है थोड़ा सा इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकारियों के ऐतिहासिक सिद्धांत के मूल विशेषता, तो जो मूल विशेषता है वह है राज्य परंपरा की देन। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के की देन है, जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है, जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, प्रभाव
प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता नहीं मानी जाती है वह है उसे देखा जा सकता है। और व्याख्या है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे। व्याख्या दे रहा है, प्रभाव की विशेषता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, अतः उक्त प्रश्नानुसार विकल्प एक सही है, यानी वन वाला जो हमने लगाया है वही आंसर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कानून संप्रभुता का आदेश है यह निम्न में से किसने कहा? तो ऑस्टिन ने कहा है, ऑप्शन वन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठन से अलग करता है? तो प्रभु सत्ता ये अलग करता है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रभु सत्ता राज्य का यह आवश्यक तत्व है जो अन्य सहचारियों से राज्य को पृथक करता है। यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो अपने भू क्षेत्र में आदेशों और कानूनों का पालन कर सके तथा बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बनाए रख सके। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है लेनिन ने, ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1688 में हुई गौरव क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये इंग्लैंड से है इसका संबंध। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक युगांतरिक घटना सिद्ध हुई। 1688 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता तथा अड़ियलपन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी लड़की मैरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है? यह कथन दिया गया है गार्नर के द्वारा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत कल्पिक नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत कल्पिक नहीं है? ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकास एवं ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य ना तो कोई दैवीय संस्था है, ना बल प्रयोग का परिणाम है, ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर और मिला जुला कर एक साथ बना डाला। वास्तव में राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 26, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो जो लक्षण नहीं माना जाता है, लक्ष्यों के अध्ययन पर बल। क्वेश्चन नंबर 27, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम? तो जो गीता रहस्य के लेखक है वो है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन फोर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 को रत्नगिरी के निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने गीता रहस्य द आर्यन आर्किटेक्ट होम ऑफ बेदाज नामक ग्रंथ की रचना की। लोकमान तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो इनका चुनाव हुआ था 1924 में बेलगाम में, तो ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, कांग्रेस का 29वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए। और क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो मुसोलिनी का है, ऑप्शन टू हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिसे जीना है उसे युद्ध करना है, यह कथन मुसोलिनी के द्वारा दिया गया है। एक मिनट, संविधान, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो
इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 3 सातवीं अनुसूची। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और यहाँ पर क्वेश्चन 30 तक हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और ज़रूरी सूचना आपको मैं दे दूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिस्ट्री के सॉल्व कराती हूँ, उसको उसके पैटर्न में मैं चेंज करने वाली हूँ। और जो वन लाइनर मैंने स्टार्ट कर दिया था उसको स्टॉप करके ऑब्जेक्टिव यानी MCQs में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो सीरीज़ आपको कल से प्रोवाइड होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार प्लेलिस्ट, और इसकी मैं अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ। आज पहला वीडियो ही मैंने राजनीति पे डाला है, यानी इसमें नागरिक शास्त्र के ऊपर पहला वीडियो है, इसलिए इसका प्लेलिस्ट भी मैं अलग क्रिएट कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो इसे ढूंढने में। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो एक बार मैं आपको TGT PGT के ओल्ड पेपर की प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ, और राजनीति शास्त्र नागरिक शास्त्र का जो प्लेलिस्ट है वो मैं अलग क्रिएट करने वाली हूँ। तो अभी उसका क्रिएशन नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिस्ट्री से रिलेटेड TGT और PGT के ओल्ड पेपर हैं। इसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो नेट के भी ओल्ड पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं, फर्स्ट पेपर। फिर नेट का अगर हिस्ट्री से स्टडी करना है तो ये 3 पार्ट्स में मैंने अपलोड किया है, यहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।